ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। जात हर्षो अपतन मूर्धना क्षितो लब्ध मनोरथ गीर्भिः तु प्रीते स्वभाव आत्मा कृतांजलि ही। जात हर्षो अपतन मूर्धना क्षितो लब्ध मनोरथ गीर्भिः तु अभ्यग्रहात् प्रीति स्वभाव आत्मा कृतांजलि ही। मेरे साथ पढ़िए। जात हर्षो अपतन मूर्धना जात हर्षो अपतन मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथः गीर्भिहितो अभ्यग्रहात् प्रीति स्वभाव आत्मा कृतांजलि ही। स्वभाव आत्मा कृतांजलि ही। कृतांजलि ही शब्दार्थ है जात हर्षः स्वाभाविक रूप से प्रमुदित अपतत गिर पड़ा मूर्धना
अपने सिर के बल क्षितव पृथ्वी पर लब्ध कौन कर्दमा मुनि भगवान आ गए ना दर्शन देने कर्दमा मुनि को लब्ध प्राप्त हुआ मनह रथ मनोरथ कहते हैं जिसे इच्छा अपनी इच्छा गिर भी स्तुतियों से तो तथा अभ्यग्रणा प्रसन्न किया प्रीति स्वभाव आत्मा जिनका हृदय स्वभाव से पूर्ण प्रीति स्वभाव आत्मा का मतलब है जिनका हृदय स्वभाव से प्रेम पूर्ण है कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर जब कर्दमा मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। किसकी इच्छा नहीं होती और भगवान के भक्त की इतना महान भक्त और ये इच्छा पूर्ण होना एक अलग है। क्या कर दिया भगवान ने उसके लिए खुद आ गए उसके सामने। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए जिसको हम कहते हैं दंडवत। उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। स्तुतियां क्योंकि वो तो महान विद्वान थे तो स्तुतियां की अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे श्लोक पता थे भगवान के बारे में महिमा मंडित करने के लिए ऐसे किया उन्होंने। मेरे साथ पढ़े जब कर्दमा मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए उनका हृदय स्वाभाविक रूप में भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। आपको स्तुति भी नहीं करनी है। आपको तो कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। आपको भगवान आ गए सामने अगर क्या करना है आपको आपको आते नहीं है स्तुति श्लोक याद नहीं है हमको। बस हमको याद क्या है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ये कहते हुए आप दंडवत हो सकते हैं। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं कंसेशन है क्योंकि ये माना गया कि हमारे बस का नहीं है कलयुग में ये चीज इतना सीखना तो ये चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं। तो तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण सभी डिवोटीज को तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। भगवत गीता के षष्टम अध्याय में जहाँ योग साधना का वर्णन है भगवान के इस साकार रूप के दर्शन को योग की सिद्धि बतलाया गया है। आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के बाद अंत में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था में श्री भगवान के अंश रूप परमात्मा या फिर उनके श्यावत रूप का दर्शन होता है। प्रामाणिक योग धर्म ग्रंथों में यथा पतंजलि सूत्र में समाधि को दिव्य आनंद कहा गया है। पतंजलि के ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वह प्रामाणिक है और आधुनिक तथाकथित योगियों ने अधिकारी विद्वानों के ग्रंथों को देखे बिना अपनी अपनी विद्या बना ली है जो अत्यंत रोचक है। पतंजलि योग पद्धति को अष्टांग योग कहा जाता है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं क्योंकि वह अद्वैतवादी हैं। पतंजलि ने बताया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और उसे देखता है
तो उसे दिव्य सुख मिलता है। यदि परमात्मा तथा व्यष्टि यानी व्यक्ति के अस्तित्व अस्तित्व को मान लिया जाए तो निर्विशेषवादियों का अद्वैतवाद सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। फलतः कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि विधि को तोड़ मरोड़ कर पूरी योग क्रिया प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार हैं: पहली धार्मिक बनना, दूसरी आर्थिक रूप से समृद्ध होना, तीसरी इंद्रियों की तुष्टि तथा चौथी परमेश्वर के साथ तादात्म्य। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तदाकार प्राप्त कर लेता है और अपना व्यष्टि आदर्श अस्तित्व खो देता है तो उसे कैलव्य कहे जाने वाले परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही कैलव्य है। यह समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर पूर्णतया आध्यात्मिक है और पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में श्री भगवान को समझा जा सकता है, कैवल्य कहलाता है। अथवा पतंजलि की भाषा में इसी को आत्मशक्ति का साक्षात्कार कहते हैं। उसके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आत्मबोध में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मबोध होने पर आत्म सुख का बोध होने लगता है, जिसे भगवद गीता में परम सुख कहा गया है और जो भौतिक इंद्रियों से परे है। समाधि दो प्रकार की बताई गई है, समप्रज्ञात तथा असमप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। आत्म संप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा भगवान के आत्म रूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का यही अंतिम उद्देश्य है। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के परम रूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है तो उसे सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जैसे कि कर्दमा मुनि को प्राप्त हुई थी। जब तक योग पद्धति की सामान्य सिद्धावस्था के परे किसी को यह सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक परम साक्षात्कार नहीं होता। अष्टांग योग पद्धति में 8 सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो जाता है और जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना ना तो सिद्धि है ना परम साध्य। परम साध्य तो यहाँ पर वर्णित है कि कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान को उनके नित्य रूप में देखा। भक्ति का शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है और इसे प्राप्त कर लेने पर च्युत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई योग पद्धति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है किंतु उसके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। दिव्य आत्मसुख के बोध से भौतिक सुख का कोई वास्ता नहीं है, जिसको आडंबरपूर्ण योगी प्रोत्साहन देते हैं। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं और वे अतिशयोक्तिपूर्ण भौतिक इंद्रिय तुष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए उद्यत रहते हैं। हरे कृष्ण, ये पहले तो आखिरी वाले की बात करता हूं। जो वास्तविक भक्त हैं, ये क्या है, कुछ लोग प्रभुपाद कह रहे हैं, कुछ ऐसे आडंबर आ गए लोग आ गए हैं जो कहते हैं सब कुछ करो, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, वे कुछ खाओ पियो कुछ भी करो, ऐसा प्रभुपाद के टाइम पर 50-55 साल पहले की बात है जब प्रभुपाद ने ये कहा होगा, क्योंकि
प्रभुपाद जब थे तब उन्होंने इतना झेला है इन लोगों को, और अभी तो उससे काफी ज्यादा हो गया, अभी तो काफी बन गए हैं, क्योंकि अब लोगों ने इसको एक पैसा कमाने का धंधा भी बना लिया। तो इस वजह से ये चीज एक क्लियर कट बात है जो प्रभुपाद ने बताया है कि अगर भौतिक सुख चाहिए आपको तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते, आपकी प्रगति रुक जाती है। अगर आप भक्ति में लगे हैं और भौतिक सुख की तरफ आपका ध्यान मुड़ा तो भक्ति पीछे हो जाती, ये पक्की बात है। दो चीजें साथ नहीं चल सकती। हाँ, हम तो कर रहे हैं, हम तो दोनों कर रहे हैं, आपका ये प्रश्न हो सकता है, हम तो भौतिक सुख भी ले रहे हैं और थोड़ा बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। भक्ति में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे ये भौतिक चीजें कम हो जाएंगी अपने आप, थोड़ा परिवर्तन भी आपको बहुत लगेगा, आप लगेगा। मैं आज जैसे आपको कह रहा था, अभी क्या होता है, कभी आप कोई चीज देखना चाहते हैं, कोई टेलीविजन में कोई चीज आ रही पड़ी, आपका मन होता है देखने का। पहले तो आप जब आप भक्ति में नहीं थे तो आप पहले उसको देखे बगैर तो रह ही नहीं सकते थे। अब आप एक दो साल से भक्ति कर रहे हैं, अब आपको परिवर्तन महसूस हो रहा होगा कि अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, 10 साल के बाद आपको उस चीज का जरूरत ही नहीं है, 15 साल के बाद आपको वो कोई कहे तो अजीब सी बात है कि इतना पागलपन का क्या है, किस चीज के लिए ऐसा लगने लगता है। तो ये चीजें आपसे दूर होने लगती हैं। ये प्रभुपाद ने कहा भक्ति रुक जाती है। एक एक जो मैं यहां बताना चाह रहा था, ये तो भौतिक कार्य में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्तियों की महत्ता कौन सा है, इस प्रकार होती है, क्या धर्म अर्थ काम सॉरी धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रिंसिपल हैं लाइफ के। धर्म, धार्मिक बनना, ये स्वभाव से मनुष्य को धार्मिक बनना चाहिए, और मेरे ख्याल से किसी भी सेक्ट में आप देखते हैं लोग धार्मिक हैं, थोड़ा बहुत जितना भी करते हैं, लेकिन उस धार्मिक में भ्रष्ट हो चुके हैं, क्या करते हैं उनको ये नहीं पता, वो सबसे खतरनाक है। धार्मिक बनना एक बात है, दूसरा है आर्थिक रूप से समृद्ध होना, पैसा कमाना, उसके बाद काम, इंद्रियों की तुष्टि, खूब मजा करना, उसके बाद उससे अब निवृत्त होना, हो गया, बाद में आपको लगता है बहुत हो गया, अब परमेश्वर के साथ तादात्म्य, यह है मोक्ष की तरफ जाने के लिए। ये आजकल जो आप देख रहे हैं कलयुग में, ये चौथा वाला बिल्कुल ही नहीं है। धार्मिक बनना है, लोग धार्मिक थोड़ा बहुत करते हैं, जो भी करते हैं, आर्थिक रूप से पैसा कमाने का, इस पर सबसे ज्यादा जोर है, इंद्रियों की तुष्टि इसके और दोनों के दूसरा और तीसरे पर बहुत ज्यादा जोर है, परमेश्वर से तादात्म्य को तो कोई अब सोचता भी नहीं। तो ये एक्चुअली चार प्रिंसिपल हैं। तो पैसा कमाने के बाद जब आपने इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग कर लिया, उसके बाद आपके इच्छा हट जानी चाहिए इन चीजों से, बट जैसा हम देखते हैं कि लोग उसमें और ज्यादा फंस जाते हैं। अद्वैतवादियों के अनुसार, अद्वैतवादियों को यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने, वो क्या करते हैं, भगवान में तादात्म्य होना चाहते हैं, तदाकार होना चाहते हैं, और उसी को इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब एक, द्वैत नहीं है, हम द्वैतवादी हैं। क्यों, हम अलग हैं, भगवान अलग है, भगवान के हम अंश हैं जरूर, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान के सेवक हैं,
ये जो भक्ति मार्ग में है, हम ये मानते हैं हम सेवक हैं, भगवान स्वामी है। ये क्या करते हैं, हम भी भगवान हैं और बन सकते हैं। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं, हमारा तो जो प्रिंसिपल है ये है, जो सिद्धांत जिस पर हम चलते हैं भक्ति योग पर, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता, भगवान एक है, सब नहीं बन सकते। और इनका क्या है, हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो भगवान बन गए, ऐसा उनका सोच है। जो निर्विशेषवादी, उनको अद्वैतवादी, मायावादी, ये सब उनके नाम है। यहाँ पर उनके अनुसार जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा के आत्मबोध में स्थिर हो जाता है, उसे चित शक्ति कहते हैं। ये अवस्था बहुत बहुत आगे की अवस्था है, जब आत्मा तथा परमात्मा के आत्मबोध में स्थिर हो जाता है, जब तो साक्षात्कार के लिए बिल्कुल तैयार है। पूर्ण आत्मबोध होने पर आत्म सुख का बोध होने लगता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने इसको महसूस किया होगा, वो क्यों, उन्होंने तो किया है। आत्म सुख, जब आत्म सुख आपको मिलने लगता है, आपको भौतिक सुख कुछ नहीं लगते हैं, क्योंकि वो इतना तुच्छ है आत्म सुख के, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का सुख पाना, आनंद पाना। वो आनंद तब मिलता है जो हमको आत्म सुख होता है, ये है लक्ष्य। ये मिल गया तो हमको, हम हमेशा सुखी हैं, भौतिक कुछ भी हो रहा हो तो हमारा सुख कम नहीं होता, जिसे भगवत गीता में परम सुख कहा गया है, और जो भौतिक इंद्रियों से परे है। समाधि दो प्रकार की बताई गई है, एक संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। असंप्रज्ञात जो है वो आत्मबोध है, वो तो दो किस्म से बताया गया। असंप्रज्ञात अथवा समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा भगवान के आत्म रूप का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि अब इंद्रियां शुद्ध हो गई, आपकी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, और आत्म साक्षात्कार का यही अनंतिम उद्देश्य है। ये प्रभुपाद बता रहे, बाकी तो पतंजलि का जो बताया है ये आपने देखा है, और पतंजलि के वो कह रहे हैं ये प्रमाणिक है पतंजलि का। पतंजलि वाले भी भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी वो जो हमने छठे अध्याय में भगवद गीता के देखा, पतंजलि वाले भी जो ध्यान उनका लगता है वो अपने को निर्गुण ब्रह्म में को ऐसे अपने को लगाते हैं अक्सर उसमें, क्योंकि पतंजलि का पूरा ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन जो हमने भगवद गीता में जितना पढ़ा है उसे लगता है उसमें। लेकिन भगवान ने कहा है अंततो गत्वाय मेरे पास आते हैं, तो ये जाते होंगे, लेकिन भक्ति योग से आप सीधे भगवान के पास जाते हैं अगर आप सफल हो गए तो। ऋषि उवाच, कर्दमा मुनि बोल रहे हैं, जुष्टम वत अद्य अखिल सत्वरासे सांसिध्यम अक्षणो अक्षणो तब दर्शनानः यद् दर्शनम् जन्मभिरिच्य सद्भिः सद्भिः या सद्भिः। नीचे का रोग गायब हो जाएगा। आशा सते योगिनो रूढ़ योगा ऋषिर उवाच जुष्टम् वत अद्य अखिल सत्वराशेः सांसिध्यम् अक्षणो तव दर्शना दर्शनानः यद् दर्शनम् जन्मभिरिच्य सद्भिः आशा सते योगिनो रूढ़ योगा। अब मेरे साथ पढ़िए, ऋषिर्वाच ऋषिर्वाच जुष्टम् वद अद्य अखिल जुष्टम् वद अद्य अखिल सत्वराशेः
सत्वराशे जुष्टं बत अद्य अखिल सत्वराशे जुष्टं बत अद्य सत्वराशे तान सिद्ध्यम सिद्ध्यम अक्षणो तव दर्शनान्नः तव दर्शनान्नः सांसिद्ध्यम अक्षणो तव दर्शनान्नः सांसिद्ध्यम अक्षणो तव दर्शनान्नः यद् दर्शनं जन्मभिरिच्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगा आशासते योगिनो रूढयोगा ऋषिर्वाच ऋषि ने कहा जुष्टम प्राप्त किया जाता है वत आ अद्य अब अखिल सभी सत्व सद्गुण का राशय जो आकार है सांसिध्यम पूर्ण सफलता अक्षणों दोनों नेत्रों का तब तुम्हारे दर्शना दर्शन से नहा हमारे द्वारा यह किसका दर्शन दर्शन जन्म भी जन्म के द्वारा इड्य हे पूज्य स्वामी सद्भि क्रमशः पद को प्राप्त अशासते महत्वाकांक्षा रखते हैं योगिना है योगी रूढ़ योगा योग में सिद्धि प्राप्त कर्द मुनि ने कहा हे परम पूज्य भगवान समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते हैं करते रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए कर्दमुनि ने कहा हे परम पूज्य भगवान हे परम पूज्य भगवान समस्त अस्तित्वों के आगार समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन महान योगी जन बार बार जन्म लेकर बार बार जन्म लेकर गहन ध्यान में ज्ञान ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं आकांक्षा करते रहते हैं हरे कृष्ण अरुणी देवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी नंबर प्रणाम हरे कृष्ण सभी को श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एवं समस्त आनंद का आगार कहा गया है। जब तक मनुष्य सत्व गुण को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा श्री भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की सर्वोपरि सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ श्री कर्दम मुनि कहते हैं आप सद्गुणों यानी सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आगार अर्थात भंडार हैं और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक हैं। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता श्री भगवान की सेवा करने में है। आंखों की सार्थकता श्री भगवान की सौंदर्य के अवलोकन में है। श्रवण इंद्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में है तथा जीभ की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में है। जब समस्त इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो इस प्रकार की पूर्णता भक्ति योग कहलाती है जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर श्री भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूपेण अनुरक्त करता है तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है। श्री कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं श्री भगवान का दर्शन पाना दृष्टि की सार्थकता यानी सिद्धि है। श्री कर्दम मुनि ने दर्शन की इस महान सिद्धि को थोड़ा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है।
वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत हैं, वे जन्म दर जन्म श्री भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी ना थे। जो वास्तव में उन्नत पथ पर अग्रसर हैं, वे केवल श्री भगवान के सनातन रूप के दर्शन की ही कामना करते हैं। ये कथा उन्होंने कहा, ये तो ठीक है। इसमें 14वां श्लोक है, ये माया ते हत मे, ये माया ते हत मे दशह तत्व, सॉरी मे दशह तत्व पादार बिंदन भव सिंधु पोतम उपासते काम लवाय तेषाम, काम लवाय तेषाम राशेष कामन निरये अपि येषुः। ये माया ते हत मे दशह त्वत् पादार बिंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवाय तेषाम राशेष काम राशेष कामान निर्ये अपि येषुः। मेरे साथ पढ़िए, ये माया ते हत मे दस मे दशह त्वत्, ये माया ते हत मे दशह त्वत् आधार बिंदन पादार बिंदम भव सिंधु पोतम, पादार बिंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवाय तेषाम, उपासते काम लवाय तेषाम राशेष कामन निरये अपि येषु, राशेष कामान निरये अपि येषु, राशेष कामान निरये अपि येषु, राशेष कामान निरये अपि येषु। शब्दार्थ है ये, जो व्यक्ति माया छलने वाली शक्ति से ते तुम्हारा हत प्रस्त मेधसह जिनकी बुद्धि त्वत तुम्हारा पाद अरविंदम चरण कमल भव संसार का सिंधु सागर पोतम पार करने की नाव उपासते पूजा करते हैं लाभ काम लवाए शुद्र सुखों के लिए ऐसा उनकी राशि देते हो इस हे ईश्वर कामान इच्छाएं निर्ये नरक में अपि भी ये जो इच्छा करते हैं शिव प्राप्त हो सकती है। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य हैं। भगवान के चरण कमल माया के वशीभूत होकर वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्ध तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। ये करें कर्दमा मुनि, मेरे साथ पढ़े, आपके चरण कमल, आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत यानी नाव के तुल्य हैं, नाव के तुल्य हैं, माया के वशीभूत होकर माया के वशीभूत होकर अज्ञानी पुरुष ही अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आप इतने दयालु हैं कि
उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं, उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। हाँ, ये बात है कि आप भगवान आए, भगवान से क्या मांगना है कि अपने चरण कमलों में जगह दे दो, ये मांगने के बजाय अगर खैर ऐसा होगा तो भगवान दर्शन भी नहीं देंगे, लेकिन जो हम मांगते हैं हमको तो दर्शन नहीं होते हैं, मांगते हैं भगवान ये दे दो ये दे दो, मैं बीमार हूँ मुझे ठीक कर दो, मेरे सिर के बाल उखड़ गए मुझे थोड़ा बाल दे दो, ये है हमारे इतने तुच्छ किस्म की हमारी भक्ति है भगवान के साथ। क्या मांगते हैं, भगवान आए हैं मांगो, भगवान मुझे मुझे आपकी सेवा करनी है और मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, तो सीधे आप वैकुंठ जाएंगे और भगवान से कह रहे मुझे एक छाता दे दो, बारिश हो रही बाहर छाता चाहिए मुझे, ये हमारा स्टैंडर्ड मांगने का। तो भौतिक चीजें भगवान से नहीं, भौतिक चीजें मांगने के लिए देवताओं से, और फिर यही सड़ते रहो 84 लाख में। तात्पर्य हरे कृष्ण लीना दवे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भक्तों की 2 कोटियां है, पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरे वे जो ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। भौतिक सुख को कुकर तथा सुकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। सुकर भी खाना खाता, सोता और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और इस संसार के ऐसे नारकीय सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देता है, क्योंकि मनुष्य के इंद्रियां हैं, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका पूरा उपयोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर कदर्म मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन बिताने वाले कुत्तों तथा बिल्लियों के लिए है। भगवान इतने दयालु है कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं तो वे उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को इच्छा अनुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कदर्म मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग यह जानते हैं कि जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य क्या है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र सुनाकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हम मेधसह कहा गया है, अर्थात जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसी प्रकार यहाँ भी कदर्म मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यास करता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर ऐसे दयालु है कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली सुकर बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुख उठाने का वर देते हैं। भगवद गीता में भगवान ने इस वरदान की पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसे उसको मन वांछित वर देता हूँ। हरे कृष्ण देता हूँ। तो क्या मांगते हैं हमारे मांगने पर भगवान से आप तपस्या करते हैं, और भगवान का भक्त तो खर जो शुद्ध भक्त है वो कभी नहीं मांगता भगवान से, लेकिन हम उतने शुद्ध भक्ति में नहीं है। हम भगवान से मांग सकते हैं कि हम ये मन बस में नहीं हो रहा भगवान, कि हमारा मन थोड़ा बाहर जाता है, मन को भगवान की तरफ लगाने का कोशिश करना है हमको, उसमें ये चीज मांगे। ये भी भगवान से क्यों मांगना है, ये तो
आपको भगवान ने कहा है कि अभ्यासे न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते, वैराग्य करो, भगवान ने बोला है अभ्यास करिए। अब वास्तव में आप सिंसियर अगर हैं तो भगवान अपने आप देंगे। आप अगर सिंसियर हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान आपको गुरु भी दिला देंगे, किसी माध्यम से आएगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भगवान ने भेजा है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि कोई बता देगा ऐसे करके। तो ये क्या ये पंडित तुकाराम थे और ये मीरा थी, इन्होंने कभी भौतिक सुख मांगा, सोचा भी नहीं कभी, देखिए पागल हो गए भगवान के प्रेम में। ये ऐसा भगवान ऐसे भक्त को एकदम दर्शन देते हैं। कर्दमा मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या की। हाँ लीला माता जी, आपसे एक चीज पूछना है, आप इसको जरा पता करके हमारे क्लास में बताइएगा। ये जो सरस्वती नदी है, ये अहमदाबाद से कहीं मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर पर कहीं है, जहाँ आपका बिंदु सरोवर है, ये पता करके बताइएगा। वो गुजरात में एक तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि इसका वर्णन आएगा यहाँ, इसलिए उसके बारे में, क्योंकि बिंदु सरोवर एक उड़ीसा में भी है, वो वाला बिंदु सरोवर नहीं बना हुआ है, ये वास्तविक बिंदु सरोवर जो है गुजरात में है बताया जाता है। लीना माता जी आप सुन रही हैं मेरी बात? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं म्यूट थी ना इसलिए। जी प्रभु जी सुन रही हूँ। हाँ हाँ, तो उसको आप बता के पूछूंगा मैं किसी दिन, आप जरा उसके बारे में पता करके रखिएगा। जी जी प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। 15वां श्लोक। तथा स च अहम् परिवोढु कामः समान शीलां ग्रहमे दधेनु उपेवान मूलं अशेष मूलं दुराशयः काम दुघांग्रि पश्य। मेरे साथ पढ़िए। तथा सच अहम् परिवोढु कामः। तथा सचाहम परिवोढु कामः। समानशीलां गृहमेदधेनु उपेवान मूलम् अशेषमूलम् दुराशयः काम दुघांग्रिपस्य। शब्दार्थ है तथा उसी प्रकार से सह मैं स्वयं च भी अहम मैं परिवोढु कामः ब्याह करने की इच्छा से समान शीलाम अनुरूप चरित्र वाली कन्या गृहमेद विवाहित जीवन में धेनु कामधेनु उपेवान पास आया हुआ मूलम जड़ चरण कमल अशेष प्रत्येक वस्तु का मूलम स्रोत दुराशय कामेच्छा से काम दुख समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाला अंग्रिपस्य वृक्ष सदृश आपका। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। क्यों कर्दमा मुनि के दिमाग में विचार क्यों आया? ब्रह्मा ने कहा है कि संतानोत्पत्ति करनी है, इस वजह से जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण कमल आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। मेरे साथ पढ़िए। अतः मैं ऐसे समान स्वभाव वाली अतः मैं भी ऐसे समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ।
आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरे काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, यद्यपि कर्दम मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास आते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी भौतिक असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समानशीलवती कन्या से विवाह करूं। यहाँ समानशीलम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों को इसलिए बंधक सूत्र में जोड़ा जाता था कि जिससे वे सुखी रहें। 25 वर्ष से अधिक नहीं बीते होंगे और संभवतः आज भी भारत में लड़की लड़कों के माता पिता उनकी कुंडलियां यही जानने के लिए दिखवाते हैं कि उनकी मनोदशा का वास्तविक योग हो सकता है या नहीं। ऐसे विचार महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसा विचार किए बिना विवाह होने लगे हैं, फलतः विवाह के तुरंत बाद तलाक तथा संबंध विच्छेद हो जाता है। पहले के समय में पति तथा पत्नी आजीवन सुख पूर्वक जीवन बिताते थे, किंतु आजकल ये अत्यंत कठिन हो गया है। कर्दम समानशील की पत्नी चाहते थे क्योंकि आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नत में सहायता पहुंचाने के लिए पत्नी आवश्यक है। कहा गया है कि पत्नी धर्म अर्थ तथा काम इंद्रिय तृप्ति संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है वो परम भाग्यशाली समझा जाता है। फलित ज्योतिष के अनुसार भाग्यवान पुरुष वो माना जाता है जिसके पास परम संपत्ति हो, अच्छे पुत्र या श्रेष्ठ पत्नी हो। इन तीनों में से जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो वो परम भाग्यशाली है। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समानशील के आधार पर करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा कथित सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य का हाव भाव से नहीं, भागवत के द्वादश आधार पर करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के हेतु तथा कथित शारीरिक सौंदर्य या हाव भाव से नहीं। भागवत के द्वादशी स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में विषय जीवन के आधार पर विवाह होंगे और जो ही विषय जीवन में कोई कमी आई नहीं कि तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होगा। कर्दम मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पत्नी की कामना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु कर्दम ने श्री भगवान की पूजा करना शेष कर समझा, क्योंकि भागवत में संस्तुत की गई है कि चाहे कोई सकाम कर्म हो या निष्काम अथवा मुक्तिकामी, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों की इन तीन कोटियों में से प्रथम कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरी कोटि के लोग परमेश्वर का तादात्म्य चाहते हैं और तीसरी कोटि के पुरुष पूर्ण मानव हैं। जो भक्त होते हैं वे बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे सबों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है तो श्री कृष्ण की पूजा करने पर वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है और उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यही चीज बताई गई है कृष्ण भावना में, हम भौतिकता में हैं और धीरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र आपको भक्ति की तरफ ले जाएगा और
सिर्फ हमने क्या करना है, ये मंत्र को छोड़ना नहीं है, जपते रहना है और कोशिश करनी है कि हमारा मन बाहर से जाए तो घसीट के ले आओ अंदर, एक बात। दूसरा, कर्म फल से हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम होनी चाहिए, एकदम कम हो जाए बहुत भाग्यशाली है, और धीरे धीरे कम तो हो ही जाएगा। सोलवा श्लोक कितना है, हाँ सोलवा कर लेते हैं। प्रजापते ते वचसा अधिशतन्या लोकः किलायं काम हतो अनुबद्धः अहम च लोकानुगतो वहामि बलिम च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम्। मेरे साथ पढ़िए, प्रजापतेः ते वचसाधीशतन्या लोकः किलायं काम हतो अनुबद्धः अहम च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम्। शब्दार्थ है प्रजापते, जो समस्त जीवात्माओं के स्वामी हैं, ते तुम्हारे वत्सा निर्देश से अधीश हे भगवान तंत्या डोरी से लोक बद्ध जीव किल निसंदेह अयम ये काम हतः काम वासनाओं से विजित अनुबद्ध बधे हुए अहम मैं च तथा लोक अनुगतः बद्ध जीवों का अनुसरण करता वहामी प्रदान करता हूँ बलिम बलि भैं च तथा शुक्ल हे धर्म रूप अनिमिषाय शाश्वत समय के रूप में रहकर तुभ्यम तुम्हें। हे भगवान, आप समस्त जीव आत्माओं के स्वामी तथा नायक हैं, आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से भरकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति बलि अर्पित करता हूं। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं, तथा नायक हैं, आपके आदेश से आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए धर्म मूर्ते आपको मैं भी अपनी आहुति अर्पित करता हूँ तात्पर्य। हरे कृष्णा, संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य कठ उपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के नायक हैं, वे उनके पालक और समस्त आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित हैं। अतः वेदों का आदेश है कि परम नायक परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन का उपभोग किया जाए। इसो उपनिषद का आदेश है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत प्राप्त व्यय का भोग करे, किसी अन्य की संपत्ति में घुस बैठ ना करे। सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम तो यह होगा कि प्रत्येक जीवात्मा परम पुरुष से आदेश लेकर भौतिक या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करे। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कर्दम मुनि
आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़े हुए थे तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की? परमेश्वर को समक्ष देखकर और अनुभव करके वे भौतिक जीवन का सुख भोगना क्यों चाह रहे थे? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, किंतु वेदों या भगवान के निर्देशानुसार करे। वेद भगवान के प्रत्यक्ष वचन है। भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक उठा जा सके। जो बद्जीव इस संसार में प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जताकर अपनी इच्छाओं की पूरा करने आए हैं, वे प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए, इससे मुक्ति प्राप्ति में क्रमशः सहायता मिलेगी। कर्दम मुनि भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है धर्म का नायक। जो पवित्र हैं, उन्हें चाहिए कि वे धर्म के नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। कोई भी धर्म को बना नहीं सकता। धर्म का अर्थ है कि भगवान के आदेश या नियम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म का अर्थ है उनके शरणागत होना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक नियमों का पालन करे और परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि मनुष्य जीवन में सिद्धि का परम लक्ष्य यही है। मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ब्याह करना चाहिए और आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त करने के लिए शांति पूर्वक रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बताया, ये बात आती है कि इतना महान ऋषि मुनि कर्दमा मुनि ये क्यों कह रहे हैं मुझे एक उचित पत्नी मिल। वास्तव में ये प्रभुपाद को लिखना पड़ा अलग से, ये क्यों मांगा, क्योंकि ये उनके लिए एक टास्क था, एक कार्य जो ब्रह्मा जी ने दिया था उनको, क्योंकि वो कर्दमा मुनि ग्रस्त में रहने वाले नहीं है, तो उनको बीच बीच में ये मिल पड़ा, ये भी करना है। और ये वो ऐसा करना चाहते थे कि वो ठीक से हो, इस वजह से मांगे किससे, एक तो या तो देवताओं से मांगे, उमा से मांगे, क्योंकि अभी लिखा प्रभुपाद ने, क्योंकि अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा की, माँ पार्वती की पूजा करते हैं लोग, कात्यायनी की, और अगर अच्छा पति चाहिए तो औरतें शिव जी की पूजा करते हैं। ये तो बात हुई भौतिक की आपके, लेकिन वो तो भगवान से कह रहे सीधे, क्योंकि ये काम मुझे दिया है पिताजी ने, ये काम मुझे करना है, करने तो उनको भगवान भी तो जानते ही, भक्त मेरा कैसा भक्त है, भगवान को नहीं पता है। जब आपके ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये नाम तो बाद में रखे, चैतन्य महाप्रभु को मिले, दंडवत हो गए, और भगवान अपने भक्तों को देख रहे हैं, भक्त अपने भगवान को देख रहे हैं, हो गया, कहा कि छोड़ के आ जाओ, आ गए। ये भगवान अपने भक्तों को जानते हैं। तो कर्दमा मुनि ने ये मांगा, अब आपको ये पता लगेगा ऐसे क्या दिया भगवान ने उनको, ये बताते हैं भगवान मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। तो एक ये माताजी संजना माताजी ने कल प्रश्न किया था कि ये श्लोक आप जो बोलते हैं इनका अर्थ पता होना चाहिए हमको। हमने ये सारे श्लोक एक एक करके जब पढ़े थे, उनका शब्दार्थ पढ़ा, उनका अनुवाद पढ़ा, फिर प्रभुपाद का उसमें जो तात्पर्य है वो भी पढ़ा। फिर भी उन्होंने कहा है एक बार ये काम आप लोगों को खुद भी करना चाहिए, क्योंकि इस श्लोकों को हम वापस उनके ऊपर जाएंगे तो हमारा क्लास का टाइम जाएगा। अब उन्होंने कहा था, मैं अभी आज सोचा था मैं दो श्लोक लूंगा, तो एक ही लूंगा, अब टाइम नहीं है। तो एक पहला श्लोक जो मैं पढ़ता हूँ
क्लास शुरू होने से पहले नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायण भगवान को नमः कृत्य नमस्कार करके नरम च एव तथा नारायण ऋषि को नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवी देवी सरस्वती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री को व्यासम व्यासदेव जिन्होंने वेद लिखे भागवतम लिखा तथा तत्पश्चात जय विजय करने के लिए उदीरय घोषित करे। अनुवाद है, अनुवाद पढ़ रहा हूँ आपको। इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने दोनों के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को नमस्कार करे, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को नमस्कार करे, विद्या की देवी माता सरस्वती को नमस्कार करे तथा इस भागवतम के इस ग्रंथकार शील व्यासदेव को नमस्कार करें। यह हम उनको नमस्कार करते हैं सबको। दूसरा श्लोक भी ये हमारे दूसरे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का ये है 18वां श्लोक। नष्ट प्राय स्वभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नष्ट समाप्त प्रायेषु प्राय सुन अभद्रेषु समस्त अमंगलों से नित्यम नियमित रूप से भागवत श्री भागवत का शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त सेवया सेवा द्वारा भगवती भगवान को उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियां भक्ति प्रेमा भक्ति सेवा भवती उत्पन्न होती है नैष्ट की अटल। अनुवाद है, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने ये नित्यम भागवत सेवा है तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से क्या भागवत भागवतम की क्लास को नियमित रूप से उपस्थित होकर सुनना और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और पुण्य लोग पुण्य श्लोक भगवान भगवती उत्तम श्लोक जिसे हम कहते हैं भगवान की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल भक्ति नैष्ट की भक्तिर्भवती नैष्ट की भगवान की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है हृदय में। ये तो ये दो श्लोक मैं लिया आज। अब 7 श्लोक और हैं, उसके लिए टाइम जब देखेंगे कभी टाइम होगा एक एक करके लेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।